Hello friends, how are you? I hope you all are healthy and well-being. So, welcome back in on channel. Myself Abhishek Kumar, I am your biology mentor. So, in this particular video, we talk about kingdom plantae in details and in testing manner. So, I hope you really enjoy this session. So, if you want to join my social media handle, so I provide a link in description box of my channel and about section of my channel. So, please go through about section of my channel and press the social media icon and join with us. So, I hope you really appreciate it with me. Let's start without wasting any time. Enjoy the video. Till end. Welcome back on next video. Today's topic is angiosperm. So in previous video we discuss about gymnosperm, bryophytes and pteridophytes. So now we discuss about angiosperm in details and interesting manner. So let's start without wasting any time. So first we read which written in text on NCERT book. So please let's start. So in angiosperm first we read which test written in NCERT. ठीक है, अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओब्यूल आर नेक्ट. जो हमारा जिम्नोस्पर्म था वहाँ पे हमारा ओब्यूल जो था वो नेक्ट था. नेक्ट इसलिए था क्योंकि हमारा फर्टिलाइजेशन के पहले और आफ्टर फर्टिलाइजेशन वहाँ पे जो हमारा सीड जो था हमारा वो ओब्यूल जो था हमारा वो कवर्ड नहीं था किसी भी ओवेरी वॉल से, इसलिए उसको हम नेक्ट सीड बोल जाते हैं. ठीक है, जिम्नोस मतलब होता है नेक्ट सीड वाला के बारे में. ठीक है, इन एंजियोस्पर्म और फ्लोरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म को हम फ्लोरिंग प्लांट बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि हमारे इसमें फ्लोरिंग होती है, फूल खिलते हैं. ठीक है, इसलिए हम इसको फ्लोरिंग प्लांट बोलते हैं. जो एंजियोस्पर्म होता है इसको फ्लोरिंग प्लांट बोलते हैं. ठीक है, द पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन होते हैं हमारे मेल गैमेट होते हैं, रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट होते हैं एंड ओव्यूल डेवलप इंटू, पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल आर डेवलप इंटू स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर्स. जो हमारे पोलन ग्रेन होते हैं और ओव्यूल्स होते हैं डेवलप इन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जिसको हम फ्लावर बोलते हैं. ठीक है, फ्लावर बोलते हैं. ठीक है, इन एंजियोस्पर्म द सीड आर इनक्लोज्ड इन फ्लूड्स. जो हमारा एंजियोस्पर्म होता है उसमें जो हमारे सीड होते हैं वो हमारे फ्लूड्स में इनक्लोज होते हैं. इनक्लोज का मतलब बंद होते हैं. ठीक है, हमारे जो फ्रूट्स में के अंदर हमारे सीड पाए जाएंगे इन एंजियोस्पर्म में, इसके लिए हम फ्लोरिंग प्लांट बोलते हैं इसको. द एंजियोस्पर्म आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट. जो एंजियोस्पर्म में होता है वो बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स होते हैं, अकरिंग वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट. जो हमारे वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट में पाए जाते हैं. हमारे जिम्नोस्पर्म में भी उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ठाक होता है, पर एंजियोस्पर्म का जो होता है वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, दे रेंज फ्रॉम, ये एंजियोस्पर्म का जो होगा वो कहाँ से हो सकता है. दे रेंज फ्रॉम फॉर्म ए स्मॉल, स्मॉल मतलब होता है स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, वॉल्फिया, वॉल्फिया ट्री जो होता है स्मॉलेस्ट होता है एंड जो टाल ट्री होता है यूकेलिप्टिस, यूकेलिप्टिस हम सभी लोगों ने देखा है, उसकी जो हाइट होती है 100 मीटर तक होती है, यानी 100 मीटर तक हाइट होता है टाल ट्री होता है. जो जिम्नोस्पर्म में हमने जेंट वुड, जेंट का पढ़ा था, सिकोया था हमारा प्लांट था वहाँ पे. ठीक है, जिसको रेड ट्री वुड बोलते थे हम लोग. ठीक है, बट यहाँ पे एंजियोस्पर्म में हमने टालेस्ट ट्री पढ़ा है, यूकेलिप्टिस 100 मीटर इसकी ऊंचाई होती है. और जो हमने एल्गी में पढ़ा था, ठीक है, केल्प के बारे में पढ़ा था, ब्राउन एल्गी था, उसकी भी हाइट जो थी 100 मीटर थी. ठीक है, तो दे प्रोवाइड अस विथ फूड. ये हमको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड कर सकते हैं. फूडर, फूडर का मतलब होता है चारा एंड फ्यूल, और हमारी ईंधन भी प्रोवाइड कर सकते हैं. लकड़ी जो होती है हमारी प्लांट्स की लकड़ी, हम उसको फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में यूज करते हैं खाना बनाने में एंड अदर सोर्सेस में. ठीक है, एंड मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स. जो हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं मतलब फ्लॉरिंग प्लांट होते हैं, उनसे हमको क्या क्या मिलता है, फूड मिलता है मतलब हमको खाना मिलता है, उससे फूडर मतलब हमको चारे के रूप में, मतलब हम अपने जानवरों को, एनिमल्स को, चारे के रूप में यूज करते हैं. फ्यूल मतलब ईंधन, लकड़ी हमारी ईंधन के रूप में यूज होती है. मेडिसिन मतलब कुछ हमारी मेडिसिन बनती है हमारी, और सेवरल अदर कमर्शली, जो हमारी कमर्शली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होते हैं वो भी बनते हैं हमारे. दे आर डिवाइडेड इंटू टू क्लासेज. जो हमारे एंजियोस्पर्म को टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है. कौन कौन सी क्लासेस हैं हमारी, टू क्लासेस जो हमारी, एक डाइकॉट है एंड एक मोनोकॉट है. डाइकोटिलेडॉन और मोनोकॉटिलेडॉन. तो डाइकोटिलेडॉन और मोनोकॉटिलेडॉन का मतलब ये है कि हमारे जो सीड होंगे उसमें टू कॉटिलेडॉन होगी, मतलब 20 से एक सेप्टा होगा. जैसे हमारा ग्राम होता है, चना होता है, तो उसको जब हम सीड को तोड़ते हैं तो वो हमारा 20 से अलग हो जाता है. एक सेप्टेट अलग हो जाएगा, एक पार्ट ऐसे अलग हो जाएगा, एक पार्ट अलग हो जाएगा, तो इसको डाइकोटिलेडॉन बोलते हैं. ठीक है, डाइकॉट में आता है हमारा ग्राम. ठीक है, और हमारा जो मोनोकॉट होता है उसका सीड हमारा अलग नहीं होता है. ठीक है, जैसे हमारा वीट हो गया, वीट को हम 20 से तोड़ेंगे तो वो टूटेगा नहीं. ठीक है, उसमें ऐसे बना तो होता है बट वो टूटता नहीं है,
ठीक है, तो हमारा जो वीट होता है वो मोनोकॉट पे आता है, डाइकॉट पे हमारी जो लेग्यूमिनस की जाती हैं दालें आती हैं वो सब डाइकॉट में आती हैं, ठीक है, जो कॉटिलेडन हो जाते हैं जिसको तोड़ने पे सीट के अलग अलग टुकड़ों पे, ठीक है, डाइकॉट या मोनोकॉट। इन डाई कॉटिलेडन आर कैरेक्टरिस्टिक बाई सीड हैविंग टू कॉटिलेडन, मतलब डाइकॉट में हमारी होंगे सीड में टू कॉटिलेडन होंगे, टू कॉटिलेडन होंगे, और इसमें जो हमारा रेटिकुलेट विनेशन होता है लीफ में रेटिकुलेट विनेशन होता है एंड टेट्रामेरस और पेट्टाबेरस फ्लावर्स होते हैं। तो इसके लिए हम आपको ट्रिक बनाते हैं, बताते हैं कि डाइकॉट में क्या क्या फीचर्स होंगे। डाइकॉट के लिए फीचर हम डाइकॉट और मोनोकॉट के लिए हम फीचर बताते हैं आपको। डाइकॉट के लिए हम बताते हैं DTR, ठीक है, DTR, ठीक है, DTR यानी डाइकॉट, डी से डाइकॉट, ठीक है, टी से हमारा हो गया, टी से हो गया हमारा डाइकॉट में क्या होगा, टैप रूट, ठीक है, टैप रूट, और आर से हो गया हमारा रेटिकुलेट विनेशन, रेटिकुलेट विनेशन, रेटिकुलेट विनेशन। विनेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन को हम विनेशन बोलते हैं। ये हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी आप पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी में सब आपको अच्छे से ट्रिक्स से बताएंगे क्या क्या होता है, ठीक है। सो डाइकॉटिलेडन आर कैरेक्टरिस्टिक बाय सीड हैविंग टू कॉटिलेडन, रेटिकुलेट विनेशन होता है, और टेट्रामेरस और पेंटामेरस इसकी जो होती है फ्लावर्स होते हैं, हैविंग टेट्रामेरस मतलब चार से मल्टीप्लाई हो उसकी जो होंगी फ्लावर बर्ड्स होंगी, फ्लावर बर्ड्स होंगी हैविंग चार, और पेंटामेरस में फाइव मेंबर होंगे इसमें फ्लावर बोर्ड में, ठीक है, फ्लावर बोर्ड्स में इसके चार और फाइव की मल्टीप्लाई में मेंबर होंगे। द मोनोकॉटिलेडन ऑन अदर हैंड, जो मोनोकॉटिलेडन होते हैं, मोनोकॉट्स होते हैं, उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, उनमें सिंगल कॉटिलेडन होते हैं, मोनोकॉट में मैंने आपको बताया सिंगल कॉटिलेडन होते हैं सीड में, पैलर विनेशन होता है, और उनकी लीफ में, और जो उनकी जो होती है सिमेट्री ट्राइमेरस होती है फ्लावर में, एंड थ्री मेंबर ऑन फ्लोरल बोर्ड्स में। तो मोनोकॉट के लिए हम देख लेते हैं, उसके लिए हम ट्रिक देख लेते हैं, MAP होता है मैप, मैप का मतलब हो गया, यम से हो गया हमारा मोनोकॉट, ए से हो गया एडवेंटेटियस रूट, एडवेंटेटियस रूट, एडवेंटेटियस रूट, ओपी से हो गया पैरेलल विनेशन, पैरेलल विनेशन मतलब हमारा पैरेलल विनेशन होगा, एडवेंटेटियस रूट होगी और हमारा मोनोकॉट होगा, ठीक है। मोनोकॉट में हमारा पैरेलल विनेशन होता है, इसमें जो होती हैं ट्राइमेरस फ्लावर्स होती हैं हैविंग थ्री मेंबर्स इन ईच फ्लावर बोल, ट्राइमेरस फ्लावर का मतलब तीन मेंबर होंगे उसके ईच फ्लावर बोल्स में, ठीक है। द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर ईच, जो मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर में होते हैं उसको हम स्टेमन बोलते हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उसको हम पिस्टल बोलते हैं, ठीक है। जो मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर का स्टेमन, ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर फिलामेंट विद द एंथर ऑफ देयर टिप, जो स्टेमन होता है हमारा एक फिलामेंट होता है, और यहाँ पे एक ऐसे एंथर होता है, बाइलोब्ड एंथर होते हैं, ठीक है, बाइलोब्ड एंथर होते हैं, एक्सेप्शन हमारा मालवेशी, ठीक है, मालवेशी की फैमिली में हमारे एक्सेप्शन है हमारा एंथर का, ठीक है। जो हमारा मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर स्टेमन होता है, ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ द सिलेंडर फिलामेंट विथ एंथर एट द टिप, जो टिप पे हमारे एंथर होते हैं, विद इन द एंथर, जो हमारे एंथर में होता है वो हमारे क्या बनते हैं, पोलन गैन, जो हमारे एंथर में होते हैं, विद इन एंथर द पोलन मदर सेल डिवाइडेड मियोसिस बाई मियोसिस, यानी रिडक्शन डिवीजन से डिवाइड होंगी, प्रोड्यूस माइक्रो स्पोर, मतलब छोटे छोटे स्पोर बनाएंगी विच मेच्योर हो जाते हैं टू पोलन गैन, जो हमारे एंथर में होते हैं हमारे पोलन मदर सेल होती हैं वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड करेंगी, यानी रिडक्शन डिवीजन के थ्रू डिवाइड करेंगी, और बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्पोर बनाएंगे, जो माइक्रोस्पोर होते हैं हमारे वो मैच्योर होकर हमारे क्या पोलन ग्रेन बना देते हैं, पोलन ग्रेन बना देते हैं, ठीक है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है इन फ्लावर इज पिस्टिल, जो हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज पिस्टिल, पिस्टिल होते हैं हमारे फीमेल सेक्स ऑर्गन, पिस्टिल इज कंसिस्ट ऑफ सोलन ओवरी, जो पिस्टिल की होती ओवरी होती है वो सोलन होती है एट द बेस, मतलब बेस पे हमारी होती है ये ऐसे सोलन ओवरी होगी, एंड सिलेंडर जो होती है स्टाइल होता है, और यहाँ पे फिर हमारी एक स्टिग्मा टाइप की ऐसी होती है, इसको हम ओवरी बोलते हैं, ओवरी हो गई ये हमारा स्टाइल हो गया,
ये हमारा जो हो गया स्टिग्मा हो गया, स्टिग्मा पे हमारे पोलन ग्लैंड आके इसी पे आते हैं और यहाँ से फिर एंट्री मारते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर पिस्टिल, पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ सोलन ओवेरी इट पेस एंड लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल एंड स्टिग्मा इन साइड द ओवेरी, ओवेरी में ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ओवेरी में इन साइड द ओवेरी ओव्यूल आर प्रेजेंट, जो हमारा ओवेरी में होता है ओव्यूल प्रेजेंट होता है। जनरली ईच ओव्यूल हैव ए मेगा स्पोर मदर सेल, जनरली जो होता है ज़्यादातर होते हैं हमारे ईच ओव्यूल में एक मेगा स्पोर मदर सेल होती है डेट अंडर गो मियोसिस, जो कि हमारा मियोसिस में जाती है, अंडर गो मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन पे जाती है, मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन पे जाती है टू फॉर्म फोर हैप्लॉयड, चार हैप्लॉयड मेगा स्पोर बनाती है हमारी, ठीक है। तो हमारी जनरली ईच ओव्यूल हैज मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है वो हमारी रिडक्शन डिवीजन पे जाती है और चार हैप्लॉयड मेगा स्पोर बनाती है हमारी, जिसमें कि क्या होते हैं थ्री ऑफ देम डीजनरेट, जो हमारी तीन होते हैं उसमें चार बनाती है, जिसमें कि तीन हमारे होते हैं डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब हमारे वो ख़त्म हो जाते हैं एंड वन, थ्री जो होते हैं हमारे डीजनरेट हो जाते हैं एंड वन डिवाइडेड टू फॉर्म इम्ब्रियो, जो हमारा एक डिवाइड करके इम्ब्रियो सैक बनाता है। ईच इम्ब्रियो सैक हैज थ्री सेल्ड, ईच इम्ब्रियो सैक में हमारी तीन सेल होती हैं, तीन सेल होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं एक अपरेटस बोलते हैं, जो हमारी ईच इम्ब्रियो जो हमारी तीन तीन मेगा स्पोर जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो हमारे डिजनरेट हो जा रहे थे, एक जो हमारा था वो इम्ब्रियो सैक बना रहा था, इम्ब्रियो सैक बना रहा था जिसमें कि थ्री सेल होती हैं जिसको हम एक अपरेटस बोलते हैं, एक अपरेटस बोलते हैं, ठीक है। एक अपरेटस में हमारी कौन कौन सी सेल होती हैं, वन जो होती है हमारी एक सेल होती है, वन तो हमारी एक अपरेटस में एक सेल हो गई और टू हो गई हमारी सिनर्जिक सेल हो गई, टू हमारी हो गई वो सिनर्जिक सेल हो गई एंड थ्री एंटीपोडल सेल, ठीक है, और ये थ्री हमारी एंटीपोडल सेल एंड टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई जो हमारा एक अपरेटस में हो गया, वन एक सेल हो गई एंड टू सिनर्जिक सेल हो गई, ठीक है, एंड थ्री एंटीपोडल सेल एंड टू पोलर न्यूक्लियाई। ये हमको एग्जांपल दिया है एंजियोस्पर्म का, एग्जांपल दिया गया है हम आपको, ये एंजियोस्पर्म में ये डाइकॉट सनफ्लावर जो हमारा डाइकॉट दिए हैं और ये मोनोकॉट का एग्जांपल दिया गया हमको, ठीक है फिगर। सो ये क्या था द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो हमारा पोलर न्यूक्लियाई होता है वो फ्यूज करता है डिप्लॉयड पोलर न्यूक्लियस बनाता है। द पोलन ग्लैंड आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम एंथर, जो पोलन ग्लैंड होता है हमारा वो एंथर से डिस्पर्स होने के बाद आर कैरिड बाई वाइंड, जो कि हमारा पोलन ग्लैंड होता है हमारा वो हवा के थ्रू कैरिड किया जा सकता है और वेरियस अदर एजेंसी ऑन स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल, मतलब हमने जो बताया था फीमेल का पार्ट जो था ओवेरी था, स्टाइल था, स्टिग्मा था, स्टिग्मा पे हमारे जो पोलन ग्लैंड आएंगे वो स्टिग्मा पे हमारे जो पोलन ग्लैंड आएंगे ये ओवेरी हो गए, ये स्टाइल और ये हमारा स्टिग्मा हो गया, यहाँ पे हमारे पोलन ग्लैंड कैसे भी आए वो हवा के द्वारा आ सकते हैं या अदर एजेंसी के द्वारा आ जा सकते हैं, जो हमारी पोलिनेटिंग एजेंट होती हैं वो हम पोलिनेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके थ्रू आ सकते हैं, स्टिग्मा से आएंगे और पोलन ट्यूब अंदर जर्मिनेट करेगी, ओव्यूल पे जाएगी और वहाँ से फर्दर फर्टिलाइजेशन वगैरह हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर डिस्पर्स फ्रॉम एंथर कैरिड आउट बाई वाइंड ऑन अदर वेरियस एजेंसी टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल, दिस इज टर्म एज पोलिनेशन, इसको हम क्या बोलते हैं पोलिनेशन बोलते हैं, पोलन ग्लैंड का स्टिग्मा पे आना और किसी की एजेंसी के थ्रू या मतलब जैसे हमारे बर्ड्स हो गए है ना या एयर के थ्रू आ गया हमारा, तो इसको हम पोलिनेटिंग एजेंसी बोलते हैं, पोलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं। द पोलन ग्लैंड जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, जो हमारे पोलन ग्लैंड होते हैं स्टिग्मा पे जर्मिनेट करते हैं एंड रिजल्ट पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू, जो हमारी जो पोलन ग्लैंड होते हैं स्टिग्मा पे हमारे ग्रो करते हैं और हमारी अंदर पोलन ट्यूब स्टिग्मा से जाती है स्टाइल और ओव्यूल में पहुंच जाती हैं, पोलन ग्लैंड हमारी स्टिग्मा पे ग्रो करेंगे फिर हमारी स्टाइल से पोलन ट्यूब जाएगी अंदर ओव्यूल तक पहुंच जाएगी। द पोलन ट्यूब इंटर द एम्ब्रियो सैक वेयर टू मेल गैमेट आर डिस्चार्ज, जो हमारी पोलन ग्लैंड हमारी जो पोलन ट्यूब होती है वो इंटर करती है एम्ब्रियो सैक में जहाँ पे टू मेल गैमेट डिस्चार्ज होते हैं। वन मेल गैमेट फ्यूज विथ एक सेल, जो हमारा एक मेल गैमेट होता है वो हमारा एक सेल से फ्यूज हो जाता है, ठीक है, एक सेल से हमारा फ्यूज हो जाता है और जो हमारा एक सेल से फ्यूज हो जाएगा
तो उसको हम बोलेंगे सिंगेमी करेंगे, एक्सेल से फ्यूज हो जाएगा तो हमारा वो सिंगेमी करेगा और जायगोट का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। एंड अदर मेल गैमेट फ्यूज विद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो अदर मेल गैमेट था वो हमारा डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज कर रहा था। तो अदर मेल गैमेट फ्यूज विद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस ए ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, जो PEN बोलते हैं हम, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। बिकॉज द अकरेंस ऑफ टू फ्यूजन, हमारे यहाँ पे टू फ्यूजन हो रहा है, जो एक प्राइमरी हो रहा है तो एक हमारा जो मेल गैमेट हो रहा है वो फ्यूज कर रहा है, एक सेल से हमारा सिंगेमी कर रहा है, जो हमारा अदर है वो हमारा अदर जो हमारा है वो डिप्लॉयड हमारे न्यूक्लियस से फ्यूज कर रहा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज कर रहा है, डिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म बना रहा है, तो इसलिए हमारे इसमें दो फ्यूजन हुए, तो इसको हम सिंगेमी टू फ्यूजन हुए हमारे, जिसमें कि एक में सिंगेमी हुआ एक ट्रिपल फ्यूजन हुआ, है ना, ट्रिपल फ्यूजन हुआ, तो इसको हम बोलते हैं डुअल फर्टिलाइजेशन, इसी को हम बोलते हैं डुअल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डुअल फर्टिलाइजेशन इज इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म, जो हमारा डुअल फर्टिलाइजेशन होता है ये हमारा यूनिक होता है एंजियोस्पर्म का, कैरेक्टर से हमारा जो सीड हैबिटेट हमारा कैरेक्टर था वो हमारा टेरिडोफाइट का था, बट हमारा डुअल फर्टिलाइजेशन जो हमारा ये हमारा एंजियोस्पर्म का यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है। द जायगोट डेवलप इनटू, जो हमारा जायगोट डेवलप होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं विद वन कॉटिलेडन और टू कॉटिलेडन, जो हमारा जायगोट डेवलप होगा वो एम्ब्रियो में बनेगा, जिसमें कि एक कॉटिलेडन हो सकता है, और यानी एक कॉटिलेडन होगा तो हमारा मोनोकॉट हो जाएगा, और दो कॉटिलेडन होगा तो हमारा वो डाइकॉट हो जाएगा। एंड PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो डेवलप इनटू एंडोस्पर्म विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो हमारा PEN होता है वो एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाते हैं, और जो कि हमारा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो हो रहा है। अगर हमारा एम्ब्रियो के डेवलपिंग टाइम जो हमारा एंडोस्पर्म हो गया वो परसिस्टेंट हो गया, मतलब बच गया, है ना, डेवलपिंग एम्ब्रियो भी हमारा डेवलप हो गया, और जो हमारा न्यूक्लियस था वो हमारा बच गया, जो हमारा एंडोस्पर्म बच गया, तो हम उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। जो मोस्टली हमारे एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं वो मोनोकॉट होते हैं, जो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं हमारे एंडोस्पर्मिक होते हैं वो हमारे मोस्टली मोनोकॉट होते हैं, मोनोकॉट, ठीक है, मोनोकॉट। जो हमारे नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं मोस्टली हमारे डाइकॉट होते हैं, जो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं वो डाइकॉट होते हैं, मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं वो हमारी डाइकॉट होते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं हमारे वो मोस्टली डाइकॉट होते हैं, ठीक है। द जायगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो विद वन कॉटिलेडन और टू कॉटिलेडन एंड द PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। द सिनर्जी सेल एंड एंटीपोडल सेल, जो सिनर्जी सेल होती हैं और एंटीपोडल सेल होती हैं हमारी, जो सिनर्जी सेल एंड एंटीपोडल सेल डिजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो हमारी सिनर्जी सेल और एंटीपोडल सेल होती हैं हमारी, जो सिनर्जी सेल होती हैं पोलन ग्रैंड की एंट्री को हमारी गाइड करती हैं, और जो एंटीपोडल सेल होती हैं ये हमारी सब डिजनरेट हो जाती हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग दीज इवेंट ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, इस इवेंट में हमारा जो ओव्यूल होता है वो हमारा सीड में डेवलप हो जाता है, और ओवेरी जो होती है हमारी फ्लूइड में डेवलप हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, हमारा जो सीड होता है वो हमारा ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवेरी डेवलप इनटू फ्लूइड, मतलब हमारा जो ओव्यूल होता है वो कहाँ पे डेवलप होता है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है और ओवेरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, ओव्यूल हमारा होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हमारा ओवेरी होती है वो हमारी फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाती है। दिस लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म सोन, यहाँ पे हमको लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म की बताई गई है, ठीक है जी, हमको क्रोसीफेयर का दिया गया है हमारा, ठीक है, डाइकॉट का जी, यहाँ पे स्पोरोफिटिक फेस हमको दिखाई गई है, ठीक है, ये हमको स्टिग्मा दिखाया गया है, हमको फीमेल का पार्ट पूरा दिखा दिया गया है फीमेल का, ठीक है, यहाँ पे ओवेरी हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये स्टिग्मा हो गया यहाँ पे हमारा, और ये हमारा जो मेल पार्ट दिखाया गया है एंथर हो गया हमारा, एंथर दिखाया गया है, एंथर में हमारा बाइलोब्ड एंथर हो गया, इसमें हमारे पोलन ग्रैंड होंगे, ठीक है, ये फिलामेंट दिखाया गया एंथर का हमको, एंथर का हमको ये फिलामेंट दिखाया गया है, ठीक है जी, हमारा जो मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है, इसमें हमारा मेगा स्पोरेंजियम, इसमें हमारा फीमेल गैमेट होगा, ठीक है, ये हमारा माइक्रो स्पोरेंजियम, जिसमें हमारा मेल गैमेट होगा, ये माइक्रो स्पोरेंजियम से हमारा माइक्रो स्पोर्स बनेंगे, ठीक है,
माइक्रो स्पोर्ट्स होंगे हमारे, स्पोर्ट्स जो होंगे हैप्लॉइड होंगे हमारे। उसके बाद हमारा माइक्रो स्पोर्ट्स, हमारे माइक्रो स्पोर्ट्स पोलन ग्रेन बनते हैं, ये हमारे गैमेटोफिटिक जनरेशन हो गए, ये हमारी जी हैप्लॉइडिक जनरेशन दिखाया गया, ठीक है, हैप्लॉइडिक जनरेशन, गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक फेस यानी हैप्लॉइड जनरेशन, ठीक है। और फिर माइक्रो स्पोर्ट्स पोलन ग्रेन से हमारे मेल गैमेटोफाइट्स बनेंगे, फिर इनके मेल गैमेटोफाइट्स से मेल गैमेट बनेंगे, है ना। मेल गैमेट हमारे ये एक से हमारे फ्यूज हो जाएंगे, ये हमारे पोलर न्यूक्लियाई हैं, टू पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, है ना, टू पोलर न्यूक्लियाई हमारे ये हैं, ठीक है। उसके बाद एक सेल से हमारे जब मेल गैमेट फ्यूज होंगे तो हमारा जाइगोट बनेगा, जब जाइगोट बनेगा फिर फर्दर हमारा एम्ब्रियो में डेवलप होगा, एम्ब्रियो बनेगा। ये जो हमको दिखाया गया है, ये हमको स्पोरोफिटिक फेज दिखाया गया है, स्पोरोफिटिक, तो यहाँ पे हमको स्पोरोफिटिक जनरेशन दिखाया गया हमारा, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म हो गया ये हमारा। तो अब हम आपको बताते हैं ड्यूअल फर्टिलाइजेशन के बारे में, थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन आते ही है, मोस्टली क्वेश्चन आते हैं ड्यूअल फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, तो हम उसके बारे में आपको ब्रीफली डिस्कस कर देते हैं। तो ये देखते हैं हम ड्यूअल फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारी जो होती है, ये हमारी बीच वाली जो होती है, ये हमारी एक सेल होती है, ये जो हमारी दो होती हैं, ये हमारी सिनर्जिक सेल होती हैं, और यहाँ पे हमारे टू पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ये हमारे टू पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और यहाँ पे थ्री जो होती हैं हमारी एंटीपोडल सेल होती हैं, थ्री जो होती होती हैं एंटीपोडल सेल होती हैं हमारी, ये क्या होती हैं, एंटीपोडल सेल होती हैं, एंटीपोडल सेल होती हैं, एंटीपोडल सेल होती हैं, जो एंटीपोडल सेल होती हैं हमारी। ये पोलर न्यूक्लियाई हो गए हमारे, ठीक है, ये एंटीपोडल सेल हो गई थ्री। अब जो हमारा मेल गैमेट होता है, एक मेल गैमेट तो आके हमारा, ये हमारा मेल गैमेट आया, एक मेल गैमेट आके हमारा एक सेल से फ्यूज हो गया, एक सेल से फ्यूज हो गया तो हमारा ये सिंगैमी किया और जाइगोट बना दिया, ठीक है, जाइगोट बना दिया। और जो एक मेल गैमेट आया हमारा, ये हमारा पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो गया और PEN बना दिया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमारा PEN बना दिया, ये पोलर न्यूक्लियाई हमारे होते हैं, ये हमारा PEN बना दिया। तो इसीलिए हम बोलते हैं, कि जो हमारा होता है एक सेल होती है हमारी, वो फ्यूज करती है मेल गैमेट से और हमारा सिंगेमी हो जाता है, मेल गैमेट जो हमारा पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है वो हमारा PEN बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसलिए हम इसको ड्यूअल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, ये हमारा एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर्स होता है कि ड्यूअल फर्टिलाइजेशन हमारा किस में पाया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हमारा एंजियोस्पर्म भी खत्म हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट के बारे में, है ना, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ईच एंड एवरीथिंग। सो थैंक यू, बाय बाय, यू हैव अ नाइस डे। इफ़ यू लाइक माय सेशन तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, यू हैव अ नाइस डे।